And I feel strongly कि Bollywood is the biggest example of unity in India. Okay, you want me to say that? Yes. I feel that Bollywood is the biggest example of unity in all over India. Trisha, ठीक है? मैं त्रिशा के बारे में त्रिशा नाम है शो. लॉट ऑफ त्रिशा, ठीक है? इसी तरह about you know how you came on board on this show, Trisha Lotta. Lot of Trisha, actually the producers, Nandita Mehra and Bhairavi Raichura are the producers and both are very dear friend of mine. और Nandita ji के साथ मैं पहले एक आध जगह कहीं पे मिला था, तो she said, and she is quite a seasoned director in our TV industry, so she said that Rishi, I would like to work with you. And I was embarrassed. I said, ma'am, आप क्या बोल रहे हो, मतलब I would love to work with you. और उसके बाद एक महीने के अंदर ही उनके यहाँ से मुझे फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि एक ऑडिशन दे दो जाके वहाँ पे. तो मैं जब ऑडिशन देने गया तो बड़ी मज़ेदार बात है कि वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर जो था उसने मुझे बोला कि सर ये रोल है, आप ऑडिशन दे दीजिए. मैंने कहा तो 21 साल के लड़के का रोल है यार. मैं कहा 21 साल का लगता हूँ, मतलब 19 का ही लगता हूँ ना मैं तो. सो दैट वे, तो एनी वेज, तो उन्होंने कहा नहीं आप एक जनरल ऑडिशन दे दीजिए. और एक हफ्ते के बाद मुझे एक डिफरेंट रोल के लिए कास्ट कर लिया गया. अब पता ये चला कि वो रोल जो है वो एक्चुअली शुरू में था ही नहीं. वो रोल एक कॉप का जो रोल है वो रोल एक लड़की का था, क्योंकि ये हमारी एक मैक्सिकन सीरीज से लिया गया है ये शो, उसके कॉपीराइट लेके. तो उस मैक्सिकन शो में जो रोल मैं इस हिंदुस्तानी सीरीज में कर रहा हूँ उसमें एक लड़की ने किया था. तो किस तरह से उस लड़की के कैरेक्टर को चेंज किया गया लड़के में ताकि मैं ऑन बोर्ड आ सकूं, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. और अगर मुझे भैरवी रायचूरा, जिनकी मतलब जो काफ़ी समय पहले से मुझसे काफ़ी सीनियर एक्ट्रेस हैं और कमाल की एक्ट्रेस हैं, अगर वो मुझे बोलती हैं कि ऋषि आई वॉन्ट यू टू बी ऑन बोर्ड बिकॉज आई एम योर फैन, सो आई फील रियली गुड, मतलब बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए. ओके ऋषि, यू नो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट यू केम टू नो यू नो भाग्यश्री इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट? I was shocked actually because हमें पता ही नहीं था कि कौन करने वाला है वो रोल. और भाग्यश्री इज अ सीजन्ड एक्ट्रेस और इतने सालों के बाद वापस टीवी करना या वापस एक्टिंग में आना, मतलब उनके बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े हो गए हैं और शी इज़ बीन सच अ बिग स्टार. हम तो मैंने प्यार किया देख देख के बड़े हुए हैं, उसके गाने सुन सुन के हम तो बड़े हुए हैं. तो उनके साथ काम करना इज आई मीन नॉट ओनली भाग्यश्री, एक्चुअली आई लव राजेश्वरी सचदेवा ऑल्सो. राजेश्वरी सचदेवा शी इज सच ए फेबुलस एक्ट्रेस, मतलब उन्होंने श्याम बेनेगल के साथ कितनी फिल्में की हैं. और बाकी भी जो भी लोग हैं, एजाज खान इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही वर्क्स सो हार्ड, इतनी मेहनत करता है रोल के लिए. मतलब हम सेट पे आके स्क्रिप्ट्स नहीं देखते हैं, हम स्क्रिप्ट्स याद करके सेट पे आते हैं, विच इज़ सच एन अमेजिंग थिंग टू डू. हम कितना टाइम बचा रहे हैं, कितनी एनर्जी बचा रहे हैं लोगों की. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड शो एंड इट्स डूइंग रियली वेल. आप लोगों को पसंद आ रहा है, थैंक यू. ओके ऋषि, यू नो डू यू थिंक इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन योर कैरियर? व्हेन यू टॉक अबाउट द कैरियर थिंग, डू यू थिंक इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन योर कैरियर द मोमेंट यू कम ऑन बोर्ड? दो यू हैव यू सेड द रिस्पांस इज वेरी गुड. सी, मेरा इस कैरेक्टर को करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि मैं अपनी इमेज चेंज करना चाहता था. इसके पहले मुझे जो रोल मिले, जो छोटी बहू में मैंने किया या जो मैंने सास बिना ससुराल में किया, जो फेमस शोज थे मेरे, उसमें मुझे हमेशा सीधा साधा भगवान भक्त इसी तरह के रोल मिलते रहे और लोगों को हमेशा यही लगता रहा कि मैं इस तरह का